शंकर नगर में बरसों पुराना पीपल का पेड़ बना क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत। पेड़ को कटवाने के लिए टाटा पावर और नगर निगम को कई बार किया सूचित। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन। BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। जोरावर चौक शंकर नगर नगरा में बिजली के तारों के ऊपर बरसों पुराना पीपल का पेड़ जर्जर अवस्था में होकर एक तरफ झुकने लगा है। इस पेड़ के लिए क्षेत्रवासी लंबे समय से नगर टाटा पावर को लिखित में शिकायतें भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यह पेड़ बारिश के दिनों में मुसीबत का सबब बनता है और करंट आने से कई जानवर भी मर चुके हैं। आज जोरावर चौक में रहने वाले चंद्र प्रकाश ने पड़ोसियों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस मामले में टाटा पावर और नगर निगम के जरिए इस पेड़ को यथाशीघ्र कटवाकर क्षेत्रवासियों को राहत दिलाने की अपील की है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मामला ये है कि मैंने मेरे घर के पास एक पीपल का पेड़ है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है, उसके जड़ क्या काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। उसकी जानकारी मैंने 6 तारीख को आप लोगों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी टाटा पावर को और नगर निगम को दी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। टाटा पावर वाला आए, आके पेड़ को देख के वापस चले गए। उसमें बारिश में काफ़ी करंट आता, एक बार तो बिल्ली वगैरह भी मर चुकी है उसके नीचे आके, नहीं फिर भी कोई सुनवाई नहीं होने के बावजूद भी अब मैंने आके नहीं, यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि इस पेड़ को जल्द से जल्द कटवाने की कृपा करें। क्या मानते हो कोई बड़ा हादसा हो जाएगा जी? हाँ सर, उसके नीचे से काफ़ी जने निकलते हैं, कब भी वो पेड़ गिर सकता है, पूरा झुक चुका है, उसकी जड़ कमजोर होने के कारण। बरसों पुराना पेड़ तो उसका एक तरफ झुक चुका पूरा वो जड़। ये शंकर नगर नगराज में, मेरा नाम चंद्र प्रकाश।